हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर मिनी मेहता और मैं हूं वेलनेस कंसल्टेंट स्टार वेलनेस के साथ। दोस्तों, कल योग दिवस है तो हमने सोचा क्यों ना हम योगा के बारे में कुछ चर्चा करें आपके साथ। आपने इस समय में देख ही लिया होगा कि जबकि ये कोरोना नामक महामारी सब जगह इतनी बुरी तरीके से फैल रही है, तो हमें सबको ये एहसास हो ही गया है कि हम सबकी जो अपनी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो हमारी इम्यूनिटी पावर है, उसका कितना रोल है, क्योंकि हर व्यक्ति इस बीमारी से उसी हिसाब से लड़ रहा है जितनी अच्छी उसकी इम्यूनिटी है। और हम लोग भारतीय होने के नाते जहां हमारा आयुर्वेद, हमारी योगा इतनी अच्छी साइंसेज हमें शुरू से बताती थी कि हर बीमारी से लड़ने के लिए हमारी बॉडी में हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए और उस इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए सबसे ज़रूरी है योग। तो आइए जाने इस समय में जब इंटरनेट पे इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है योगा के बारे में, इतनी ज़्यादा ही मिसकंसेप्शंस है योगा के बारे में, तो जाने कि एक्चुअल योग है क्या और ये हमें किस तरीके से लाभदायक है। योगा मतलब योग मतलब जुड़ना। जुड़ना किसका? प्राण वायु का, अपान वायु के साथ। किस मकसद के लिए? स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, ताकि हमारा शरीर जो है स्मूथली चलता रहे। दोस्तों, नेचर ने हमें इस तरीके से बनाया है कि हम जो है अपने आप बढ़ते रहें, खाना खाते रहें, और यदि कुछ छोटी मोटी बीमारी होती है तो हमारे शरीर में ही एक क्षमता होती है जो कि उस बीमारी से लड़ने में हमारी मदद करती है और हम जल्द ही ठीक हो जाते हैं। तो शुरू से योग का चलन हमारी संस्कृति में है, क्योंकि योग केवल सिर्फ आसन को योग नहीं कहते। आजकल सब लोग जो इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, इतनी वीडियोस देख रहे हैं, आसन को प्रैक्टिस करना ही योग नहीं है। योग जो है हमारा माइंड, बॉडी और हमारी सोल तीनों को यूनाइट करता है। उसका योग इक्वल्स टू अ वेरी 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 पीसफुल बॉडी विच हैज़ ऑल द कैपेबिलिटीज़ टू इम्प्रूव इट्सेल्फ ऑन इट्स ओन। तो योग में अगर आप यदि योग करेंगे तो योग आपको सिखाता है कि आपको कैसे हाइजीन मेंटेन करनी है। योग आपको सिखाता है कि कैसे आपको पीसफुल रहना है। योग आपको सिखाता है लाइफ में आपको किस डिसिप्लिन की ज़रूरत है, ताकि आपके बॉडी के जो इतने सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि आप चलते रहें, उनका योग सही बना रहे आपस में। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी बॉडी जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। रोज़ योगा करना इसलिए लाभदायक है क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी जीवन के हिसाब से कुछ ना कुछ स्ट्रेस रहता है, कुछ ना कुछ चिंता रहती है। कोई अगर शरीर का काम करता है तो उसके शरीर के हिस्सा कोई हिस्सा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, किसी ऑर्गन का ज़्यादा यूज़ हो जाता है। तो जब योग करते हैं हम इसको डिफ़ॉल्ट पे सेट करते हैं, आप समझे, एक मॉडर्न लैंग्वेज पे डिफ़ॉल्ट पे सेट करते हैं कि हम रीचैनलाइज़, रीएनर्जाइज़ एवरी मॉर्निंग अपनी बॉडी को करते हैं, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, ताकि दिन में हमें जो भी चैलेंजेस हैं उसके बाद हमारी बॉडी परमानेंटली किसी डिक्लाइन में ना चला जाए और हम उसको मॉर्निंग में फिर चैनलाइज़ करें। इसलिए योगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बुढ़ापा जो जल्दी लोगों को बुढ़ापा आ रहा है, जल्दी लोगों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, शरीर कमज़ोर हो रहा है, हड्डियाँ आप देखो कि बोन डेंसिटी कम हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि आप अपने शरीर का इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन आप ये जानते ही नहीं हैं। आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे कि उसको आप दोबारा से नियंत्रित करें, दोबारा से अलाइन करें। उसमें योगा बहुत ही लाभदायक है और योग जो है आपके मन का, आपके तन का, दोनों का विकास करता है। वो आपको माइंड से भी आपको अलाइन करता है कि आपके थॉट्स कैसे होने चाहिए, आपको फिजिकली भी वो अलाइन करता है। तो हमारी आप सबके लिए ये सलाह है कि आप लोग योग को अपनाएं और किसी अच्छे प्रोफेशनल ट्रेनर से ही योगा को सीखें। किसी भी वीडियो को देखकर घर में बैठकर, किसी भी जगह बैठकर योगा प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है कि योगा को सही तरीके से किया जाए। बेड पर बैठकर योगा करेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। आपको किसी भी ऐसे कमरे में जहाँ पे सीलन है वहाँ पे आपको योगा नहीं करनी, जहाँ पे अंधेरा है वहाँ पे आपको योग नहीं करना। योग आपको खुली हवा में करना है, समतल ज़मीन पे करना है, ताकि आपको पूरा फ़ायदा हो। और हमेशा किसी एक्सपर्ट की सलाह लें यदि आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं, ताकि आपको पता हो कि कौन से योग आसन आपके लिए सही हैं और उचित हैं और कौन से नहीं। क्योंकि इतनी व्यस्त जो हमारी जो दिनचर्या होती है उसमें हर व्यक्ति के पास 40 मिनट हैं, और 40 मिनट से ज़्यादा मेरे ख्याल से कोई जो व्यक्ति लीन है अपनी दिनचर्या में वो इतना समय नहीं दे सकता है किसी भी एक्सरसाइज के लिए। तो उसे पता हो कि उसकी बीमारी के हिसाब से रोज़ कौन से ऐसे उचित आसन हैं जो सही तरीके से प्रैक्टिस करे। तो ऑलवेज डू योगा, मेक इट अ हैबिट एंड गेट ट्रेन बाय एन एक्सपर्ट योगा ट्रेनर।
थैंक यू।